नूरपुर वासियों को अपने गन लाइसेंस बनवाने के लिए अब जिला मुख्यालय धर्मशाला का रुख नहीं करना पड़ेगा। अब ये सुविधा उन्हें नूरपुर में ही मिल रही है। इस गन लाइसेंस ब्रांच का शुभारंभ नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया और एसडीएम नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर ने किया। नूरपुर वासियों को अब अपने गन लाइसेंस बनाने के लिए कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला का रुख नहीं करना पड़ेगा। अब ये सुविधा नूरपुर में ही जनता को उपलब्ध होगी। गन लाइसेंस ब्रांच का शुभारंभ नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया और एसडीएम नूरपुर सुरेंद्र ठाकुर ने किया। गौरतलब है कि इस ब्रांच के खुलने से अब लोगों को चाहे नया लाइसेंस बनाना हो या रिन्यू करना हो, उसके लिए अब धर्मशाला का रुख नहीं करना पड़ेगा। नूरपुर के साथ साथ इंदौरा, ज्वाली और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता भी अब धर्मशाला जाने से परहेज कर पाएगी। अगर इस प्रक्रिया में कोई आपत्ति लग जाती है तो इस काम के लिए लाइसेंस धारक को 2-3 बार धर्मशाला तक जाना पड़ता था। ऐसे में जहां लोगों की आर्थिकी का नुकसान होता था, वहीं समय भी बर्बाद होता था। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने ये सुविधा अब नूरपुर में शुरू की है। विधायक राकेश पठानिया की माने तो अब किसी को भी लाइसेंस बनवाने के लिए धर्मशाला के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जहां एसडीएम द्वारा कॉर्पस प्रोटेक्शन संबंधित लाइसेंस को नूरपुर में बनाया जाएगा, वहीं सेल्फ प्रोटेक्शन संबंधी लाइसेंस के लिए एडीएम कांगड़ा महीने में 2 बार नूरपुर में बैठेंगे। अब इससे लोगों को पेश आ रही असुविधा से भी छुटकारा मिलेगा। ये आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा बोल्ड सीन लिया है, जिसके तहत नूरपुर में अब लाइसेंस की प्रक्रिया जो है वो सारी यहाँ पे एसडीएम साहब के कार्यालय में हो जाएगी। अब किसी को भी लाइसेंस बनाने के लिए, रिन्यू कराने के लिए धर्मशाला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हिमाचल का धर्मशाला और कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और मंड क्षेत्र से, नूरपुर क्षेत्र से जो लोग जाते थे, 2 दिन लग जाते थे आने जाने में, और एक बहुत बड़ी एक इनकन्वीनियंस जो है लोगों को होती थी। अब ये समस्या का समाधान यही हो जाएगा और सारे लाइसेंस फ्रेश भी, पुराने भी, और क्रॉप प्रोटेक्शन तो यही बनेंगे और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और यहीं पे एडीएम साहब महीने में 2 बार आएंगे और उसको यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। अब किसी भी नूरपुर के व्यक्ति को धर्मशाला के चक्कर लगाने नहीं पड़ेगा।